सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी के पास 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए, यही नहीं 80 किलो सोना भी था। दिल्ली की वो इमारत जहां रखा गया है सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमयी खजाना। लेकिन उस रहस्यमय खजाने की होने लगी चोरी। जापान से लेकर म्यांमार में रखा वो सोना और अरबों रुपए पर किसी की पड़ी थी नजर, और क्यों भारत सरकार किसी भी तरीके से उसे पाने की कोशिश कर रही थी। आजादी के इस खास दिन नेताजी के पास मिले अरबों रुपए के उस रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि वो कहां और किस हाल में है। देश को आजादी चाहिए थी और एक मोर्चे पर खुद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के नाम से एक सेना खड़ी कर दी थी। मदद चाहिए थी तो बस पैसों की। सुभाष चंद्र बोस की एक आवाज पर देश के परिवारों ने अपना खून तक दे दिया और फिर उनकी मदद को जो बन पड़ा वो दिया। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जो कुछ भी उनके पास था वो उन्होंने आजाद हिंद फौज को दे दिया। देश में रहने वाले इन परिवारों को धन नहीं, आजादी चाहिए। जनवरी 1945 में नेताजी के जन्मदिन पर बर्मा में कई लोगों ने खुलकर दान दिया। इस दान में भारतीय महिलाओं ने अपने आभूषण दिए थे। कई अमीर उद्योगपतियों ने पैसा और सोना आजाद हिंद फौज के लिए दिया था। रुपया, पैसा और जवाहरात की कीमत का अंदाजा न तब लगाया जा सका, न आज ही उसकी पक्की कीमत का पता है। आजाद हिंद फौज की रकम के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के हर परिवार ने अपनी ओर से हर तरह की मदद की, चाहे धन दौलत हो या फिर देश की आजादी के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य की भर्ती। सुभाष चंद्र बोस जैसे ईमानदार और देशभक्त की वजह से आजाद हिंद फौज को भारी मात्रा में धन मिला। सोने चांदी से भरे हुए बक्से आजाद हिंद फौज के साथ चलते थे। आजाद हिंद फौज के लिए नेताजी ने काफी रकम इकट्ठा की थी। कुछ गोपनीय फाइलें बताती हैं कि नेताजी के पास 1945 में ही 2 करोड़ रुपए कैश और लगभग 80 से 100 किलोग्राम सोना था। इसकी वैल्यू मौजूदा दौर के हिसाब से 700 से 800 करोड़ रुपए है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 100 किलो से ज्यादा सोना आजाद हिंद फौज के पास था। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को खड़ा करने के लिए आम लोगों से पैसे लेकर ये खजाना तैयार किया था। आजाद हिंद फौज को मिला ये वो सोना था जिसे भारत की माता बहनों ने आजादी की लड़ाई के लिए नेताजी को दान में दिया था। नेताजी के निजी सहायक हमेशा ये बताते आए हैं कि हिटलर से हुई मुलाकात के बाद उसने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को स्टील के 4 संदूकों में गहने भरकर नेताजी को गिफ्ट किए थे। इन संदूकों में भरे गहनों की कीमत भी उस वक्त करोड़ों में थी, जो आज के हिसाब से अरबों में है। नेताजी ने इस खजाने का बड़ा हिस्सा आजाद हिंद फौज का बैंक बनाने के लिए रखा था। ये वो खजाना था जो देश के लोगों ने नेताजी को दिया था। 1952 में 4 पैकेटों में आजाद हिंद फौज का केवल 11 किलो सोना वापस आ सका। ये हिस्सा ताइवान हादसे के बाद जमा किया गया था। जले हुए बैग में ये खजाना दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में 62 साल से पड़ा है। लेकिन असल में ये वो खजाना नहीं है जो लोगों ने आजाद हिंद फौज के नाम पर दिया था। उस खजाने को आंकना मुश्किल है। यही वजह है कि नेताजी की मौत की खबर आने के बाद से ही सोना गायब होने लगा। उनके करीबी ही इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का खजाना लूटने लगे। हालांकि उस दौर में जापानी सरकार ने खजाना लूटे जाने की चेतावनी लगातार भारत सरकार को दी, लेकिन इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। लगातार पत्र में ये बताया गया कि वियतनाम के सेगोन शहर में काफी मात्रा में आजाद हिंद फौज का खजाना पड़ा हुआ है जिसमें नकदी और सोना चांदी है। और ये भी बताया जाता रहा कि खजाने में नेताजी के कुछ करीबी ही सेंध लगा रहे हैं। बावजूद इसके सभी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, किसी भी तरह की जांच के आदेश नहीं दिए गए। कहा तो ये भी जाता रहा कि खजाने को गायब करने के लिए संदिग्ध व्यक्ति को
आरामदायक सरकारी नौकरी भी दी गई, जबकि उस पर INA के खजाने को चुराने का मामला चलना चाहिए था। कुल मिलाकर आजाद हिंद फौज का खजाना भ्रष्टाचार से सिर पैर तक डूबे हुए लोगों की भेंट चढ़ गया और उस वक्त की भ्रष्ट सरकार ने कुछ ना करना ही ठीक समझा। हालांकि बहुत मुमकिन है कि जिन लोगों ने वो खजाना चुराया उन लोगों ने अपना खजाना हिंदुस्तान में ही कहीं छुपाया हो, जरूरत है तो जांच करने की। ये तो कुछ भी नहीं, सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव बढ़ रहा था और इसलिए वो अंग्रेजों के लिए खतरा साबित हो रहे थे। ऐसे में ब्रिटिश सेना ने बर्मा यानी म्यांमार की ओर कूच कर दिया। ब्रिटिश आर्मी के म्यांमार आने की खबर मिली तो नेताजी लगभग 64 किलो खजाना वहीं छोड़कर वहां से बैंकॉक चले गए थे। यानी सिर्फ जापान ताइवान नहीं, नेताजी का खजाना बर्मा में भी पड़ा हुआ है। चलिए, ये तो बात थी आजाद हिंद फौज को दान में मिले खजाने की, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस के पास अपना भी एक खजाना था? जी हाँ, उनके जन्मदिन पर मिला था सबसे बड़ा और महंगा गिफ्ट। आजाद हिंद फौज ने अपने खजाने की मदद से एक खौफ तो पैदा किया, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई जिसके लिए उसे बनाया गया था। लेकिन उस फौज का डर और महात्मा गांधी की दृढ़ता के आगे अंग्रेजों ने हथियार डाल दिए और भारत छोड़कर चले गए। आजाद भारत में लाल किले पर तिरंगा फहराया तो लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को याद किया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास की ऐसी शख्सियत थी जो कभी किसी के हाथ नहीं आई। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और फिर उनकी मौत की कहानी रहस्य बनकर रह गई, क्योंकि उन्होंने कई बार मौत और अंग्रेजों को मात दी थी। अपने दुश्मनों की नाक के नीचे उनका गायब हो जाना देशवासियों को पसंद था, लेकिन जब 1945 के एक विमान हादसे में नेताजी की मौत की खबर एक रहस्य बनकर आई तो लोगों को हैरान कर गई। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के लिए जो पैसा जुटाया था वो तो उनके अपने करीबियों ने ही लूट लिया और सारी जानकारी होने के बावजूद उस वक्त की सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन यहीं से खजाना गायब होने की कहानी खत्म नहीं होती। नेताजी के पास था एक और खजाना, जन्मदिन पर मिला था एक कीमती गिफ्ट, वो गिफ्ट जो आया नेताजी और INA के काम। दरअसल नेताजी और आजाद हिंद फौज सिर्फ उन पैसों पर ही निर्भर नहीं थी जो अब गायब हो चुका था, बल्कि नेताजी के पास एक और खजाना था जिसका इस्तेमाल समय समय पर किया जाता था। नेताजी ने अपना 48वां जन्मदिन बर्मा के रंगून में मनाया था। उस दिन आजाद हिंद फौज के अधिकारियों और रंगून में रहने वाले भारतीयों ने सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन का पूरा सेलिब्रेशन वीक मनाया था। 29 जनवरी 1945 की वो तारीख सेलिब्रेशन वीक का आखिरी दिन थी। उस दिन नेताजी के सम्मान में यह तय किया गया कि देश को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज को कुछ धन दिया जाएगा। दान कैसे दिया जाए इस पर विचार विमर्श किया गया तो लोगों की राय ये बनी कि सुभाष चंद्र बोस को तोला जाए, फिर उनके वजन के हिसाब से सोना दान में दिया जाए। सुभाष चंद्र बोस के इस जन्मदिन सप्ताह में उस वक्त देश विदेश से हजारों भारतीय, जिनमें खासकर महिलाएं थीं, उन्होंने अपने जेवरात तक नेताजी को देश को आजाद कराने के लिए दान में दे दिए थे। सुभाष चंद्र बोस को जब तोला गया तो उनका वजन उस वक्त 80 किलोग्राम था, यानी पूरे 80 किलोग्राम सोना आजाद हिंद फौज को और सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। इस घटना का जिक्र कर्नल ह्यूग टोई ने आजाद हिंद फौज पर लिखी अपनी किताब द स्प्रिंग टाइगर में किया है। यही नहीं, सरकार जिस सोने की बात करती है वो असली खजाने के 10% भी नहीं। दरअसल सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के खजाने के लिए उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भी कुछ खास नहीं किया और जांच नहीं की। सुभाष चंद्र बोस के प्लेन एक्सीडेंट के बाद भी उस बैग को नहीं खोला गया जो सुभाष चंद्र बोस का बैग बताया जा रहा था। लेकिन 9 अक्टूबर 1978 का दिन था, देश आजाद होने के बाद पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार देश पर राज कर रही थी। उस वक्त मोरारजी देसाई के राज में उस बैग को खोला गया। उस बैग के अंदर एक स्टील का केस था और उसके अंदर 14 पैकेट भी थे, जिनके अंदर नेताजी से जुड़ी कई अहम चीजें थी और कुछ जले हुए जेवर थे।
महिलाओं के कुंडल, गले के हार, नाक की नथ और हाथों की चूड़ियां और अंगूठियां। अधिकारियों को अंदाजा नहीं था इसमें जेवर होंगे। जब जेवर का वजन सामने आया तो तमाम आजाद हिंद फौज से जुड़े रिसर्चर और पुराने स्वतंत्रता सेनानी चौंक गए कि बाकी का खजाना आखिर गया तो कहां गया, क्योंकि जिस दिन नेताजी का जन्मदिन मनाया गया सिर्फ उसी दिन 80 किलोग्राम सोना तोला गया था। और तो और, वो खजाना कहां गया जिसको भारतीयों ने उस दिन आजाद हिंद फौज के नाम पर कर दिया था, लेकिन इसका जवाब आज तक नहीं। जब तक जांच का आदेश होता उससे पहले ही जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। नेताजी का ये बैग 9 जनवरी 1953 को टोक्यो से भारत लाया गया था। बैग को थोड़ी सी जांच के बाद 30 दिसंबर 1953 को नेशनल म्यूजियम में रखवा दिया गया। न इस मामले में गहन जांच की गई और न ही ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर उसमें रखा क्या है। सुभाष चंद्र बोस पर रिसर्च करने वाले मानते हैं कि समय रहते भारत सरकार ने बोस के खजाने की ढंग से जांच की होती तो वो खजाना आज भारत सरकार का होता और देश के काम आता। जिन जेवरों को भारतीय महिलाओं ने अपने देश के लिए बेहिचक बोस को दान दे दिया था उसी को लालचियों ने लूट लिया। ऐसे में बोस की रहस्य के साथ साथ खजाने का रहस्य भी इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। करोड़ों की ज्वेलरी, उस वक्त आजादी की चाह में देश के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को यूं ही दान कर दी। पूरे विश्व में फैले भारतीयों ने आजाद हिंद फौज की मदद के लिए दिल खोल कर दान किया, चाहे वो सोने और चांदी के जवाहरात हों या फिर बड़ी रकम। हर तरीके से भारतीयों ने देश को आजाद कराने के लिए नेताजी की मदद की। कई किलो सोना चांदी और करोड़ों रुपए कहां गए ये किसी को तो नहीं पता चला। आरोप जिन पर लगे वो सरकार में अधिकारी बने और पैसे कहां गए किसी को पता तक नहीं चला। आजादी से पहले जो खजाना नेताजी और आजाद हिंद फौज के पास था आजादी के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अगर आज के दौर में वो खजाना मिल जाए तो यकीन मानिए देश पर जो कर्ज है वो उतरते देर नहीं लगेगी। उस खजाने से देश के विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं आजादी से पहले का वो खजाना आज कितनी कीमत का हो सकता है। अगर हम बात करें आजाद हिंद फौज को दान में मिली चीजों की तो हिंदुस्तान और विश्व के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों ने आजाद हिंद फौज को उस वक्त लगभग 2 करोड़ की रकम दान में दी थी। आज के दौर में देखें तो ये रकम बढ़कर लगभग 100 करोड़ हो जाती है। ये हिसाब डॉलर को ध्यान में रखकर है जहां $1 के मुकाबले लगभग 5-6 रुपए होते थे। नेताजी और आजाद हिंद फौज के खजाने में सिर्फ नगद रुपए ही नहीं बल्कि 100 किलो सोना भी था। ऐसे में अगर आज के हिसाब से सोने की कीमत जोड़ें तो ये हो जाती है लगभग 300 करोड़। यानी ये खजाना भी जबरदस्त है और सोने की कीमत से उस दौर में भारत कर्जदार तो नहीं होता। ये तो सोना सिर्फ वो सोना है जो आजाद हिंद फौज को दान के तौर पर मिला था, लेकिन अभी उस सोने का हिसाब तो बाकी ही है जो जन्मदिन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला था, नेताजी के वजन जितना ही। वो सोना पूरे 80 किलो था। अगर आज के दौर के हिसाब से हम उसे देखें तो सोने की कीमत लगभग 250 करोड़ होगी। यानी उसकी मदद से देश में शिक्षा व्यवस्था को आला दर्जे का किया जा सकेगा। अब उस सोने की बात जो नेताजी ने बर्मा में छोड़ दिया था वो सोना नेताजी ब्रिटिश सेना से बचकर निकलते हुए छोड़ गए थे। 64 किलोग्राम का खजाना अगर मिल जाए तो उसकी कीमत आज के दौर के हिसाब से 190 करोड़ होगी। यानी ये सोना भी वापस मिल जाए तो देश के वारे न्यारे हो जाए। कुल मिलाकर देखें तो आजादी से पहले के खजाने की कीमत आज के दौर के हिसाब से लगभग 840 करोड़ रुपए होगी। यानी नेताजी और आजाद हिंद फौज के सपनों का भारत इस रकम से तैयार हो जाएगा।